हम ये जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आपकी राजनीतिक शुरुआत कब से हुई है। मेरी राजनीतिक शुरुआत तकरीबन 2000 से हुई है जी। और चूंकि पिताजी कांग्रेस पार्टी में थे तो मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ा। आप प्रदेश के पर्यटन मंत्री रहे हैं, ऐसे में लम्हुआ विधानसभा से हटकर भी कुछ पर्यटन के क्षेत्र में, कहीं सुल्तानपुर में या और किसी जिले में कुछ किए हैं? निश्चित रूप से, जिसे विजित हुआ है। लोगों में चर्चा है कि जब भाजपा से सांसद मेनका जी लड़ रही थी तो आपकी काफ़ी अहम भूमिका रही उनको जिताने में। ये ऐसा लोगों का मानना है। मेनका जी चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छे प्रत्याशी का चयन किया था तो मुझको लगा कि नहीं, चूँकि उनका 7 बार का सांसद होना एक जनपद से अपने आप में दर्शाता है कि मैंने उनकी मदद की। लोगों का ये भी कहना है कि अभी हाल ही में दोबारा जब चुनाव आया, अविश्वास प्रस्ताव आने की बारी आई थी उषा सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष की, तो उसमें आपकी यदि अहम भूमिका न रही होती तो शायद उनको हारना पड़ता या ये कुर्सी दूसरे के हाथ में चली जाती। नहीं, ऐसा लोगों का मानना है। वो श्री कुमार जी और उषा जी की अपनी लड़ाई थी, ऐसा लोगों का मानना है कि उसमें मेरी भी अहम भूमिका थी। विरोधी लोग सोशल साइट पे तरह तरह के प्रचार शुरू कर दिए कि मैं उनको हरा के दम लूँगा, तो आप उनको कैसे मुँह तोड़ जवाब देंगे? अब ये जनपद सुल्तानपुर को तय करना है, क्योंकि मैंने बताया कि ये दूसरी पीढ़ी है। बाबू केन सिंह ने क्या किया जनपद के लिए या किस तरीके की राजनीति उन्होंने की, या मेरे 20 साल के राजनीतिक जीवन में एक व्यक्ति नहीं ऐसा है कि जो उंगली उठा दे। तो लम्हुआ सीट से प्रत्याशी रहे हैं, जीतते रहे हैं, उसके बाद में इस बार सुल्तानपुर से आप अब प्रत्याशी बने हैं, तो वहाँ की जनता तो बड़ी मायूस है, तो इसको हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देंगे या क्या वजह है जो आपको सीट बदलनी पड़ी? नहीं, वजह कुछ नहीं है, ये पार्टी का नेतृत्व, पार्टी का ये निर्णय है। जो विनोद जी, आपकी बिटिया पलक सिंह है जो कोरोना काल में, जब देखा जाए काफ़ी देश विश्व इस महामारी से गुजर रहा था, तो ऐसे में आपकी बिटिया या लोगों के परिवार बच्चे घर में होने चाहिए, लेकिन आपकी बिटिया जो है घर घर जाकर लोगों की खैर ख्वाहिश कर रही थी। और जब पूरा विश्व एक डर, एक भय का वातावरण था और घर से कोई निकल नहीं रहा था, तो बिटिया ने मुझसे ये सवाल किया कि यही वक्त है समाज के बीच जाके उनके दुख दर्द को बांटना। जिस समय आप बसपा में थे तो आप अपने भाई को चुटकियों में MLC बनाए हैं, और बहुत से ऐसे लोग उस समय टिकट के दावेदारी कर रहे थे, उनको भी टिकट नहीं मिला, आप ही को मिला था। नहीं, ये पार्टी ने निर्णय किया था, और वो चुनाव वो वोट देने वाले तो BDC और प्रधान थे। जिस प्रकार से भाजपा ने आप पर विश्वास जताते हुए एक वारंटी के रूप में, एक विश्वास के रूप में आपको उतारा है, तो आप भाजपा को कितनी गारंटी देते हैं अपनी जीत के लिए? मैंने जैसा कि कहा कि मैं आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय योगी जी का, अमित शाह जी का, JP नड्डा साहब का, उन्होंने जो मुझ में विश्वास व्यक्त किया है, निश्चित रूप से मेरा यही प्रयास होगा कि मैं उस पर खरा उतरूँ। नमस्कार, मैं हूँ अनुराग द्विवेदी। आज जहाँ पर UP में सियासत काफ़ी तेज हो गई है, हलचल मची हुई है, घमासान मचा हुआ है, वहीं आज देर रात करीब प्रदेश के 45 जिलों की, या यूँ कहे 45 विधानसभा की, भाजपा की प्रत्याशियों की सूची आ गई है, और जहां पर बहुत कयास लगाए जा रहे थे वो विराम लग गया है। तो आज हमारे बीच में नेता नगरी एपिसोड में पूर्व मंत्री विनोद सिंह मौजूद हैं, जिन्हें सुल्तानपुर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया है। आपके बारे में बता दें, यूपी का जाना माना कॉलेज कमला नेहरू शिक्षण संस्थान है, उसके आप प्रबंधक हैं, और आपके पिताजी भारत सरकार में मंत्री थे, और वे पूर्वांचल के विकास के अग्रदूत माने जाते थे। आपकी बेटी पलक सिंह कोरोना काल में घर घर जा कर के कोरोना किट बांटना, लोगों को सैनिटाइजर देना, मास्क देना, और ज़रूरतमंदों को जो भी उनकी ज़रूरतें होती थी उसको पूरा करना बेटी पलक सिंह करती रही है। तो आप हमारे बीच में मौजूद हैं, आइए आपसे सीधे ही जानते हैं कि आपने कैसे राजनीतिक करियर की शुरुआत कहां से आपने की है और किस तरह से चुनाव लड़ेंगे। मंत्री जी, आपका
दस्तक भारत में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जहाँ के हम ये जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आपकी राजनीतिक शुरुआत कब से हुई है? मेरी राजनीतिक शुरुआत तकरीबन 2000 से हुई है जी। और चूँकि पिताजी कांग्रेस पार्टी में थे तो मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ा। उसके बाद उत्तर प्रदेश का एक माहौल 2007 में, और मैं इस बात को जोर दे के कहना चाहता हूँ कि यही 2007 उत्तर प्रदेश की जनता ने मुलायम सिंह की सरकार को उखाड़ फेंका था। महज एक मुद्दा था, प्रदेश बचाओ। और आज, इससे पहले कि मैं और कुछ कहूँ, सर्वप्रथम मैं आदरणीय योगी जी का, आदरणीय मोदी जी का, जेपी नड्डा साहब का, अमित शाह साहब का, स्वतंत्र देव बंसल जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझको इस लायक समझा कि पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में मैं एक 188 सुल्तानपुर विधानसभा चुनाव से उन्होंने मुझे प्रत्याशी बनाया है। आपके पिताजी पूर्वांचल के विकास के अग्रदूत थे, उनके सपनों को आप कैसे साकार कर रहे हैं, क्या पढ़ना अपना रहे? ये बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि जब जनपद सुल्तानपुर के आसपास शिक्षा का इतना अभाव था तो उनकी ये सोच थी, और ये जो पुराने लोग हैं इनको मालूम है कि अगर ये कमला नेहरू संस्थान ना होता तो गरीब तबका, जो अपने मजदूर है, गरीब है, वो अपने बच्चों को बाहर शिक्षा ग्रहण के लिए नहीं भेज सकता था। कमला नेहरू संस्थान में वो लाई चना चबाना, जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं, चबा के उसने शिक्षा ग्रहण की। और बाबूजी के द्वारा किए गए कार्यों को मैंने बहुत ही आगे बढ़ाया। इस बात का मुझे गर्व है कि उनके अधूरे कार्यों को मैंने पूरा किया। आज जनपद सुल्तानपुर में किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे MBA का क्षेत्र हो, चाहे नर्सिंग हो, चाहे एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, चाहे लॉ का क्षेत्र हो, कहीं भी छात्रों को सुल्तानपुर से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जहाँ ये देखा जाए कि आप शुरुआत में कांग्रेस में रहे, फिर बसपा में रहे, बसपा से विधायक बने, मंत्री बने, तो सुल्तानपुर जिले को आप जब मंत्री रहे क्या क्या सौगात दी है, कुछ ऐसा विशेष? मेरे ख्याल से लमुआ विधानसभा क्षेत्र को मैं रिप्रेजेंट करता था, और लमुआ विधानसभा क्षेत्र अगर आप किसी से भी वहाँ पूछ लें तो 5 वर्षों में मैंने कभी दलगत और जातिगत से ऊपर मैंने राजनीति की, सिर्फ एक कार्य किया, विकास का कार्य किया। और ये सौभाग्य का विषय है कि ये मेरी दूसरी पीढ़ी है। बाबूजी का 50वां वर्ष का कार्यकाल था, मेरा राजनीतिक जीवन तकरीबन 25 साल का है। आज तक एक दाग नहीं लगा है, एक व्यक्ति नहीं कह सकता है कि इन्होंने राजनीति के नाम पे कुछ अन्य कार्य किया। समाज सेवा, सिर्फ समाज सेवा की। आप प्रदेश के पर्यटन मंत्री रहे हैं, ऐसे में लम्हुआ विधानसभा से हटकर भी कुछ पर्यटन के क्षेत्र में, कहीं सुल्तानपुर में या और किसी जिले में कुछ किए हैं? निश्चित रूप से, जिसे विजित हुआ है, करोड़ों का मैंने विभाग से ला के धन दिया। आपका ये सीताकुंड है, ये हमारे क्षेत्र से बाहर पड़ता है जी, लेकिन यहाँ मैंने करोड़ों का कार्य किया है। और मथुरा हुआ या आगरा टूरिज्म जो डेस्टिनेशंस हैं, अयोध्या हुआ, वाराणसी हुआ, जो भी विभाग कर सकता था, मैंने पूरे उत्तर प्रदेश में टूरिस्ट डेस्टिनेशन या धार्मिक रूप से जो लोगों में चर्चा है। जब भाजपा से सांसद मेनका जी लड़ रही थी तो आपकी काफ़ी अहम भूमिका रही उनको जिताने में, ये ऐसा लोगों का मानना है। मेनका जी, चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छे प्रत्याशी का चयन किया था, तो मुझको लगा कि नहीं, चूँकि उनका 7 बार का सांसद होना एक जनपद से अपने आप में दर्शाता है कि भाई ज़रूर उन्होंने पीलीभीत में कुछ ऐसा किया होगा कि 7 बार जनता ने चुना। इसी से प्रेरित होकर मैंने उनकी मदद की। लोगों का ये भी कहना है कि अभी हाल ही में दोबारा जब चुनाव आया, अविश्वास प्रस्ताव आने की बारी आई थी उषा सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष की, तो उसमें आपकी यदि अहम भूमिका न रही होती तो शायद उनको हारना पड़ता या ये कुर्सी दूसरे के हाथ में चली जाती। नहीं, ऐसा लोगों का मानना है। वो श्री कुमार जी और उषा जी की अपनी लड़ाई थी, ऐसा लोगों का मानना है कि उसमें मेरी भी अहम भूमिका थी, ऐसा कोई खास नहीं है। कुछ लोग, जैसे ही आपको टिकट मिला, ऐसे राजनीतिक विरोधी लोग,
सोशल साइट पे तरह तरह के प्रचार शुरू कर दिए कि मैं उनको हरा के दम लूँगा, तो आप उनको कैसे मुँह तोड़ जवाब देंगे? अब ये जनपद सुल्तानपुर को तय कर रहा है, क्योंकि मैंने बताया कि ये दूसरी पीढ़ी है। बाबू केन सिंह ने क्या किया जनपद के लिए, या किस तरीके की राजनीति उन्होंने की, या मेरे 20 साल के राजनीतिक जीवन में एक व्यक्ति नहीं ऐसा है कि जो उंगली उठा दे। आप सदैव लम्हुआ सीट से प्रत्याशी रहे हैं, जीतते रहे हैं, उसके बाद में इस बार सुल्तानपुर से आप अब प्रत्याशी बने हैं, तो वहाँ की जनता तो बड़ी मायूस है, तो इसको हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देंगे, या क्या वजह है जो आपको सीट बदलनी पड़ी? नहीं, वजह कुछ नहीं है, ये पार्टी का नेतृत्व, पार्टी का ये निर्णय है, जो पार्टी ने निर्णय किया कि अब पार्टी ने पिछली बार सीताराम वर्मा जी को जयसिंहपुर से लड़ाया, इस बार लम्हुआ विधानसभा से लड़ा रहे हैं, मुझको सुल्तानपुर दे दिया, तो ये पार्टी का अपना। आपके बारे में ये भी चर्चा है कि अब राजनीति में आप वो मजे खिलाड़ी हैं कि जब भी आप राजनीति में रहते हैं, सत्ता में रहते हैं, तो आपकी तूती बोलती है। नहीं नहीं, ये लोगों का अपना मानना है। विनोद जी, आपकी बिटिया पलक सिंह है, जो कोरोना काल में जब देखा जाए काफ़ी देश विश्व इस महामारी से गुजर रहा था, तो ऐसे में आपकी बिटिया या लोगों के परिवार बच्चे घर में होने चाहिए, लेकिन आपकी बिटिया जो है घर घर जाकर लोगों की खैर ख्वाहिश कर रही थी, इस पर आपकी बिटिया के प्रति आपका क्या है या क्या कहना चाहेंगे? मैं एक ही चीज़ कहूँगा, जैसे मैंने कहा कि इस पूर्वांचल में जो शैक्षिक रूप से जो विकास हुआ वो मेरे पिताजी बाबू केन सिंह साहब ने किया, और जब पूरा विश्व एक डर, एक भय का वातावरण था और घर से कोई निकल नहीं रहा था, तो बिटिया ने मुझसे ये सवाल किया कि यही वक्त है समाज के बीच जाके उनके दुख दर्द को बांटना, और मुझको वो दिन याद है जब पलक ने कहा कि बाबू इंसानों के लिए, चूँकि लॉकडाउन का दौर चल रहा था, कोई घर से निकल नहीं रहा था, तो उसने कहा कि बिजथुआ उसको याद आया कि वहाँ जो हैं जानवर, उनको बंदर, उनको इस वक्त तो कोई घर से निकल नहीं रहा, तो उनका क्या होगा। तो मुझको याद है कि वो केला वगैरह, फल वगैरह लेके गई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा परिवार जनपद सुल्तान के प्रति हमेशा संवेदनशील रहा है, सजग रहा है, और जब भी मौका पड़ा है, जिस क्षेत्र में मौका पड़ा उसने साथ दिया है, और आगे भी अगर ये सुल्तानपुर जनता का आशीर्वाद रहेगा तो निश्चित रूप से इस जनपद का एक साफ सुथरी अच्छी सी राजनीति, जो व्यक्ति के प्रति संवेदनशील हो, जो सजग हो, जो उनकी भावनाओं को समझता हो, और जो उनके दुख दर्द में हिस्सेदार है। बिटिया की शिक्षा क्या है, क्या पढ़ी लिखी है, कैसे कहाँ से है कुछ? बिटिया लखनऊ के लामार्ट गर्ल्स कॉलेज से पढ़ी है, उसके बाद गलकोटिया से उसने बीटेक किया है, और IIT हैदराबाद से उसने MBA किया है। तो मतलब उसके समाज सेवा से आप संतुष्ट हैं? जाहिर है कि उस दौर में कोई घर से निकल नहीं रहा था, तो एक बच्चा अगर अपने पिता से कहे तो मुझसे ज़्यादा कौन सौभाग्यशाली होगा। अच्छा, जिस समय ये अपना समाज सेवा कर रही थी, लोगों की मदद कर रही थी, तो उस समय तरह तरह की लोगों में चर्चाएं थी कि कहीं इनको चुनाव न लड़ाएं या ऐसा कहीं कुछ? नहीं, ऐसा कभी भी, ये लोगों का अपमानना था, सोच था, लेकिन कभी भी ना पलक के दिमाग में बात आई, ना मेरे दिमाग में आज तक बात आई कि पलक को जिला पंचायत लड़ाना है या असेंबली लड़ाना, कभी आज तक ये बात नहीं। जैसे हम लोग के यहाँ जो हम लोग की बच्चियाँ होती हैं, उम्र हो जाती है, शादी करके अपना घर देखें। जिस समय आप बसपा में थे, तो आप अपने भाई को चुटकियों में MLC बनाए हैं, और बहुत से ऐसे लोग उस समय टिकट के दावेदारी कर रहे थे, उनको भी टिकट नहीं मिला, आप ही को मिला था। नहीं, ये पार्टी ने निर्णय किया था, और वो चुनाव वो वोट देने वाले तो BDC और प्रधान थे, उनका ये निर्णय था कि भाई अशोक सिंह को विधायक होना चाहिए, MLC होना चाहिए। जिस प्रकार से भाजपा ने आप पर विश्वास जताते हुए एक वारंटी के रूप में, एक विश्वास के रूप में आपको उतारा है, तो आप भाजपा को कितनी गारंटी देते हैं अपनी जीत के लिए? मैंने जैसा कि कहा कि मैं आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय योगी जी का, अमित शाह जी का, JP नड्डा साहब का, उन्होंने जो मुझ में विश्वास व्यक्त किया है, निश्चित रूप से मेरा यही प्रयास होगा कि मैं उस पर खरा उतरूँ।
आपने बेबाकी से पूर्व मंत्री विनोद सिंह को सुना, और फिर अगले पड़ाव पे किसी से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।